नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों मुंबई आए हुए थे और मुंबई में देखिए हमको कौन मिले हैं, प्रसाद खांडेकर सर। महाराष्ट्र में इनको बिल्कुल भी परिचय की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा फेमस और बहुत ही ज्यादा लोगों के द्वारा पसंद किए जाने वाले अभिनेता, राइटर, डायरेक्टर और मतलब क्या क्या बोले। खैर हमारा जो चैनल है वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर है, तो सर ने भी जो है कुछ समय पहले हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया हुआ था। और जैसे कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक सॉल्यूशन है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं करा पाते हो किसी भी कारण से, बजट नहीं है या फिर आपका डोनर नहीं है या फिर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो ये नहीं कि डीमोटिवेट हो जाओ। तो ये चीज बार बार बोलता हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा स्टेबिलाइज रहो, सही जगह से हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराओ, ठीक है। तो सर है, प्रसाद सर हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांटेशन का डिसीजन कैसे लिया है और अभी उनको कैसा लगा। 3 महीने हो चुके हैं उनको हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुए, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जैसे हेयर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान से कई लोगों को डर लगता है और आप जैसे एक आप एक थिएटर ड्रामा से जुड़े हुए हैं, एक रंगमंच से जुड़े हुए हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा हेयर ट्रांसप्लांटेशन के पहले और बाद में? बेसिकली हमारा जो एक्टर्स का या फिर कोई भी कॉमन मैन लोग, उनके लुक्स के ऊपर उसका कॉन्फिडेंस डिपेंड होता है कि वो कैसे दिखता है, क्या है वो। मतलब हमारे इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में तो लुक्स के ऊपर ही सब मैटर करते हैं। नहीं तो फिर जो एक है तुम्हारी उम्र हो एक 35-40 साल और हमारे तुम्हें रोल ऑफर होते 45-50 साल एजेड रोल ऑफर होते, सो ये लुक्स बहुत मैटर करता है। रही बात हेयर ट्रांसप्लांटेशन की, तो उसी को लेकर लोगों में बहुत अलग अलग रूमर्स है कि ये बहुत डेंजर सिस्टम है या टेक्निक है या फिर ये बहुत कॉस्टली है या फिर इससे कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। बेसिकली साइंस या मेडिकल फील्ड में आप कोई भी मतलब एक पैरासिटामोल लेना हो तो उसके भी साइड इफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो हम लेते हैं जब भी बुखार आता है। बट आप अगर सही डॉक्टर के पास जाओ, सही क्लिनिक में जाओ, तो ये जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन का आपका डर है वो निकल जाएगा। नहीं तो अभी बाजार में ऐसे 100 क्लिनिक्स ओपन हो गए जो आपको गारंटी देते कि नहीं आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, लेकिन एक बार आपका डोनर एरिया निकल गया पीछे से। और सर फिल्म में गारंटी वारंटी कुछ होती? गारंटी वारंटी कुछ होता ही नहीं है, वो सिर्फ एक प्रोफेशनल प्रोसीजर है जो आपके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। एग्जैक्टली, बट इसके लिए तुम्हें जरूरत है प्रोफेशनल डॉक्टर्स की, प्रोफेशनल सिस्टम्स की, अभी टेक्नोलॉजी की जो आपको बराबर से गाइड करे। तो बेसिकली मतलब ये लाइफ टाइम प्रोसेस है, आपको एक ही बार इन्वेस्ट करना, मतलब आपको भले एक टाइम अभी बजट में थोड़ा ज्यादा लगे या फिर पर एक बार सही जगह से करा, पर सही जगह से कराओ, फिर एक बार हो जाए तो ये लाइफ टाइम के लिए आपका वो एक आपका एक बाल चलता रहेगा, लुक चेंज। अच्छा सर, आप जैसे रंग फंड से जुड़े हुए हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आपका आप सीमित एक फेशियल लुक बन जाए, बॉल्ड हो जाए, तो आप टाइप कास्ट भी हो जाते हैं कि आपको यंग रोल्स ऑफर नहीं होंगे या फिर आप जैसे आपने बोले कि थोड़ा सा आपको से बड़े रोल मिलते हैं? वो होता है, बहुत बार होता है और हमारे फिल्म में तो होता ही है। तो उसी के लिए मतलब देयर आर मेनी ऑप्शंस कि आप टॉपिक डालो, फाइबर्स डालो या फिर बैच बनाओ या फिर वीक बनाओ, वो सब टेम्पररी है। एक लाइफ टाइम सॉल्यूशन के लिए आपको एक आपके लाइफ के आगे के पूरे सालों के लिए एक 4-6 महीने का टाइम निकलना है। मतलब प्रोसेस तो खाली एक दिन का ही है, लेकिन वो फिर से ओरिजिनल लुक में आने के लिए आपको 5-6 महीने निकालने पूरे लाइफ टाइम के लिए। सो मैं भी यही गुजारिश करूंगा, मतलब मैंने मेरा ट्रांसप्लांट अभी न्यू रोड शहर क्लिनिक डॉक्टर मिलेश उनके पास क्या, वो दोस्ती है हमारे। मेरे मन में भी डर था ना ही, ऐसे नहीं, मेरे भी मन में डर था, लेकिन एक बार डॉक्टर के साथ बातचीत होने के बाद, उनके साथ डिस्कस करने के बाद ये डर निकल गया, मैंने डेयरिंग की। और मुझे अभी उसका आनंद है कि मैंने वो डेयरिंग की, डॉक्टर की सलाह मानी। सो ये कॉन्फिडेंस के लिए हर एक को बहुत जरूरी है। दोस्तों 3 महीने पहले सर ने अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया था और आप देख सकते हैं वर्तमान समय में कितना सुंदर उनका रिजल्ट आया हुआ है। पूरे हेयर्स की जो ग्रोथ है अपने आप देखना चालू हो चुका है, मींस 90 डेज के आसपास हुआ है, नॉर्मली 120 डेज के आसपास रिजल्ट देखना चालू हो जाता है। सब केस में ऐसा होगा जरूरी नहीं है, सबका बॉडी रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। तो सर के केस में आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट इनका आ रहा है। तो सर जैसे आपका भी जैसे ट्रांसप्लांट के बाद कैसा फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि मतलब जैसा एक होता है ना, जब डाउट होता है
मतलब कि बाल आएगा कि नहीं आएगा, अभी से ये स्प्राउट होने लगे हैं सर, अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी मेरे जैसे डॉक्टर के साथ बात हुई थी, अभी 3 महीने में ये सब बेबी हेयर्स चल रही है, और 3 महीने में मतलब मेरे से ज्यादा डॉक्टर भी एक्साइटेड है। अरे मजा आएगा देखो, अभी आप चेहरे सर आपके फैंस भी बहुत एक्साइटेड है, आपके शो में भी आपने कई बार बताया कि आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, और मुझे अच्छा इस बात के लिए लगता है कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, मैं उनको गाइड भी कर रहा हूं। जो कि 4 महीने पहले कोई आदमी या कोई दोस्त बेटा था, कोई फैन मिला था, वो अभी 4 महीने के बाद जब भी मिलता है अभी, सर ये क्या है, अलग दिख रहा है, अलग सरप्राइज दिख रहा है, बोला हाँ भाई और 3 महीना रुको और सरप्राइज हो जाओगे, तो बहुत अच्छा लगता है, लोग अप्रिशिएट कर रहे करके। अच्छा सर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका जैसे कि यू नो ट्रांसप्लांटेड डोनर नहीं रहता, जैसे यूथ हैं कई सारे जो 25 साल के 22 साल के भी हैं, तो वो यू नो हमारे जो वीडियोस देखते हैं ना, वो थोड़ा डिप्रेशन रहता है, सर हमें कराना है पर हमारा डोनर नहीं है, मतलब किसी कारण से फाइनेंशियल कंडीशन से भी कई लोग करा नहीं पाते उनको। सर मतलब हमारे चैनल की तरफ से हमेशा यही बोला गया है, तो डीमोटिवेट मतलब हमेशा पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंट रहो, अगर करा सकते हो। एक नॉर्मल कहावत है इंग्लिश में, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आपकी अगर इच्छा हो तो डॉक्टर भी, मतलब अभी मैं बाकी डॉक्टर के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं मेरे डॉक्टर के बारे में बात करूंगा, इंग्लिश के बारे में बात करूंगा, कि आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो डर है, मतलब मैं बाकी लोगों को ये गाइड करूंगा कि आप बात करो, सोल्यूशन निकलता है साइंस में, कोई भी चीज के ऊपर सोल्यूशन से, आपके पास डोनर एरिया नहीं है उसके ऊपर सोल्यूशन से, आपके पास बजट नहीं है उसके ऊपर सोल्यूशन से, लेकिन बात करो, जाके मिलो, वो आपको बराबर से गाइड करेंगे, सही कंसल्टेंसी पे आप जाओ, सही कंसल्ट लो आप। एग्जैक्टली। तो दोस्तों सर का आप देख सकते 3 महीने उसके आगे के भी रिजल्ट्स आपको शो करेंगे, तो सर और कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को हेयर ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड? नहीं अभी अभी नहीं, मैं 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद सर आप वापस आएंगे, बढ़िया तरीके से रिजल्ट दिखाएंगे, और अभी तो खैर इनकी बाल सामने से कंघी नहीं हो पाएंगे, लेकिन आने वाले समय में पूरा कंघी घुमा के इनका रिजल्ट शो करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मुंबई में है अभी हम महबूब स्टूडियो के सामने है क्लिनिक, तो यहीं से सर ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, यहीं से मैंने अपना सेकंड सेशन जो अभी 2021 में कराया था वो कराया है, तो आप लोग भी अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप अपने बारे में थोड़ा पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तो बाय, टेक केयर, थैंक यू।